कर रही है ये? कुछ नहीं आयशा बहन, बस सामान देख रही थी। देख रही थी या लगाने की सोच रही थी? नहीं आयशा बहन, तुम्हें तो पता ही है मेरी शादी को कुल 6 महीने हुए थे और तुम्हारे जेठ जी गुजर गए थे, तो मुझे इन सब का तो टाइम मिला ही नहीं। तो अब लगाएगी? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? तू भी चाहती है क्या कि तेरी तरह मैं भी विधवा हो जाऊं? मनहूस नहीं नहीं, आज से ना इन सामानों को हाथ मत लगा देना, इनसे तेरा कोई लेना देना नहीं है, समझी? सामान छुएंगी। अरे भाभी जी। हाँ देवर जी, आई। कहाँ जा रही है? मैं चली जाऊंगी। ओ भाभी जी। हाँ देवर जी, आ रही हूँ। वो बुला रहे हैं मुझे, बुला रहे हैं मुझे, बुला रहे हैं मुझे। पता नहीं मनहूस ये कब टलेगी यहाँ से। मेकअप छुएंगी मेरा, मेकअप लगाएगी। मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है। भाभी जी, भाभी जी। हाँ देवर जी, क्यों बुलाया आपने मुझे? अरे भाभी जी बैठो। भाभी आज ना मेरी सैलरी मिली है। अच्छा। ये लो भाभी जी, ये कुछ पैसे हैं, तुम्हारे खर्चे में काम आएंगे। अरे देवर जी, इसकी क्या जरूरत है? अरे कोई नहीं भाभी जी, आप रखो, आपको भी तो खर्चे हैं। ठीक है। क्या हुआ, तुमने इसको पैसे क्यों दिए हैं? क्यों क्या हुआ, भाभी के खर्चे नहीं है क्या? और इनका खर्चा हम नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? तो जब इसे जरूरत होगी मुझसे या तुमसे मांग लेगी ना, इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत है? देखो जैसे तुम्हारे खर्चे हैं, मेरे खर्चे हैं, ऐसे भाभी के तो खर्चे हैं, ठीक है? मैं खर्चा करने को मना नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि इतने सारे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी क्या लो वापस। देखो आयशा, जैसे तुम्हारे खर्चे हैं, मेरे खर्चे हैं, ऐसे भाभी के तो खर्चे हैं, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते हैं। बस बस रहने दो, ऐसा भी कोई खर्चा नहीं है जो ये मुझसे नहीं बता सकती। और हाँ, मुझसे ज्यादा अब तुम्हें ये जरूरी हो रही है? ठीक है फिर रख लेना इसी को। यार तुम कैसी बातें कर रही हो, एक बात बताओ, इनका हमारे सिवा है ही कौन? भैया के जाने के बाद उनका ख्याल हमें तो रखना, अगर हम नहीं रखें तो कौन रखेगा? तो और कैसा ख्याल रखोगे, टाइम से खाना दे तो रही हूँ, ऐसा नहीं है अपने सर पे चढ़ा लूँ। यार तुमसे बहस करने बेकार है, ये लो आज मेरी सैलरी मिली है, इन पैसों को रखो। ये भी दे दो इसी को। रखो इन्हें। अरे देवर जी, आप दोनों मेरी वजह से क्यों लड़ाई कर रहे हो? आयशा कह रही है ना इन पैसे को लेने को, लो आप ही रख लो। अरे नहीं भाभी, इन्हें आप अपने पास रखो। और हाँ ईसा, ये पैसे पकड़ो, और तुम ना थोड़ा भाभी से तमीज से बात किया करो, ये हमारी बड़ी है, समझे? और सुनो, ये सारे पैसे उठा मत देना, इनमें से कल को गाड़ी की किस्त भी जानी है। ठीक है। और मैं ताऊजी के यहाँ जा रहा हूँ। ओए, जा कहाँ रही है? ला, ये पैसे मुझे दे। लेकिन आयशा, ये पैसे तो देवर जी ने मुझे दिए हैं ना? दिए होंगे, मुझे कुछ नहीं सुनना, पैसे दे मुझे। लेकिन आयशा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, समझ में नहीं आ रहा? देख मैं प्यार से बोल रही हूँ, पैसे मुझे दे दे, बता रही हूँ पहले ही। अगर तुम्हें मुझसे पैसे लेने ही थे तो देवर जी के सामने ले लेती। तो ज्यादा जवान मत लड़ा मुझसे, चुपचाप पैसे दे दे। तो ऐसे नहीं मानेगी, पैसे दे। और हाँ, उनके सामने ना इतने अच्छे होने का नाटक मत किया कर, समझी? मनहूस मेरे जेठ जी को तो खा गई, अब पता नहीं क्या करके मानेगी। आयशा तुम ऐसी बातें मत किया करो, मैंने उन्हें नहीं खाया। मैंने उन्हें नहीं खाया, अच्छी खासी अभी तो देखने लायक है, तो जाके कहीं पे शादी कर लेना, यहाँ पे कब तक पड़ी रहेगी? बस आयशा बस, तुम अपनी लिमिट भूल रही हो। ज्यादा फालतू जवान लड़ाने की ना जरूरत नहीं है, चल निकल यहाँ से। मुझसे करेगी जवान जोरी, न रंकी न ढंकी। अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है? आयशा मैं दवाई लेने जा रही थी। दवाई? किस चीज की दवाई? वो आयशा, मेरे ना काफी दिनों से ना पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। दवाई लेने जा रही थी या दवाई का बहाना करके अपने यार से मिलने जा रही है? आयशा ये कैसी बातें कर रही हो तुम,
अगर मेरा किसी के साथ अफेयर या चक्कर होता तो मैं उसी के साथ भाग नहीं जाती, मैं यहाँ क्यों रुकती? जब मेरा किसी के साथ अफेयर है ही नहीं तो मुझे क्यों बदनाम कर रही हो? क्यों कह रही हो किसी के साथ चक्कर है? बस बस, ये कहानियां ना मुझे सुना के तो कुछ साबित नहीं कर सकती, समझी? और वैसे जो तू इतना बन सवर के जा रही है किसी से मिलने, घर का काम कौन करेगा, तेरा बाप? आयशा, मेरे बाप को बीच में क्यों लाती हो? और रहा घर का काम, घर का काम तो मैंने सारा कर दिया, और जो थोड़ा बहुत रहा है उसे मैं आके कर दूंगी, दवाई ले आऊं बस। आके वाके कोई चक्कर नहीं है, अभी करके जा, चल। आयशा, मेरी तबीयत खराब हो रही है और मैं दवाई नहीं लेके आने की हूँ तो मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, फिर घर का काम कैसे होगा? जब तुझे कुछ हुआ ही नहीं है, जवान तो इतनी चला रही है, लग तो नहीं रहा है मुझे कि तू बीमार है। देख, ज्यादा बकवास मत कर, इससे पहले मेरा हाथ उठे जाके घर का काम कर ले, कहीं नहीं जा रही तू। आयशा प्लीज, मुझे दवाई लेके आने दो, मैं आके पक्का कर दूंगी घर का काम। तो तू ऐसे मानेगी नहीं, मुझे और जो ठहरी जाती है या बताऊं अभी, चल घर का काम कर। आयशा मैं आके कर दूंगी, मैं बोल रही हूँ ना। तू ऐसे मानेगी नहीं। आयशा, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आयशा, क्या है ये सब? मुझसे क्या पूछ रहे हो? इसे पूछो ना अपनी चहेती भाभी से, कहाँ जा रही है बंठन के? भाभी, क्या हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं देवर जी, मेरे ना काफी दिन से पेट में दर्द रहता है, तो मैं आज दवाई लेने जा रही थी, लेकिन आयशा मुझे जाने ही नहीं दे रही है। ये कह रही है घर का काम करो, और मैंने घर का सारा काम कर लिया है, थोड़ा सा रह गया, मैंने कहा मैं आके कर लूंगी, लेकिन नहीं, ये बोल रही है कि अपने यार्ड से मिलने जा रही हो। आयशा, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? क्या बोला है मैंने ऐसा? इतना भी दर्द नहीं हो रहा, थोड़ा सहन भी कर सकती है। आयशा, क्या है ये सब? तुम और कितना नीचे गिरोगी? तुम भाभी पर कितना गंदा इल्जाम लगा रही हो यार। क्या मैं इस पे इल्जाम लगा रही हूँ? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मैंने सिर्फ इसे इतना बोला था कि जहाँ भी जाना है घर का काम करके चली जा। तो एक चीज ये भी तो देख लो, इनके पेट में दर्द हो रहा है और ये कहीं और नहीं जा रही, दवाई लेने जा रही है डॉक्टर से। तो बाद में भी तो जा सकती है ना दवाई लेने के? तुम्हारे पेट में अभी दर्द होगा तो तुम बाद में जाओगी दवाई लेने? देखो, मुझसे फालतू की बकवास तो करो मत ना, ये जहाँ भी जाएगी ना घर से, पहले घर का सारा काम करके जब जाएगी। बस देवर जी बस, आप ही चुप हो जाइए, मेरी वजह से आप दोनों लड़ाई मत करो। अगर तू चाहती ना कि हम दोनों में लड़ाई ना हो तो तू घर से कदम निकालती ही नहीं, लेकिन नहीं, तुझे तो घूमने जाना है ना मार्केटों में। मैं मार्केटों में नहीं जा रही थी, मैं अपनी दवाई लेने जा रही थी। बस ज्यादा बकवास मत कर, अपने आदमी को तो खाई गई, हम दोनों में भी झगड़ा करा के शांति से रह। आयशा, ये कैसी बेहूदा बातें कर रही हो तुम? तुम भाभी को ऐसे बोल भी कैसे सकती हो? अरे वो मेरे बड़े भाई थे और वो बीमारी के कारण मरे हैं, ना कि इनके वजह से। तुमने इसकी वजह से मुझ पे हाथ चलाया? क्यों रे मनहूस, मिल गया ना तुझे शांति मुझे पिटवा कर, अब तो खुश है ना तू? नहीं आयशा, मैं सब कुछ नहीं चाहती थी कि देवर जी तुझ पर हाथ उठाए। बस बस, तू क्या चाहती है और क्या नहीं मैं सब जानती हूँ। ऐसे नहीं मानोगी ना, जाओ यहाँ से। तुमने इसकी वजह से फिर मुझे मारा, अब रहना इसी के साथ और मुझसे बात करने की ना कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। देवर जी, आपने मेरी वजह से आयशा पे क्यों हाथ उठाया? भाभी, आपने देखा ना क्यों कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी आपसे, और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे वो तो पालक बुद्धि है, और पालक तो ऐसे बोलते ही है, लेकिन तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया? अरे वो सब छोड़ो तुम भाभी, तुम दवाई लेने जा रही थी ना, चलो मैं चलता हूँ तुम्हें दवाई लेवाने। आप जाकर आयशा को मना लो, वो रो रही होगी। अरे उसके सब ड्रामे हैं, कोई नहीं रो रही हो, उसे मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप चलो, मैं आपको दवाई लेवा लेता हूँ। नहीं देवर जी, मैं खुद चली जाऊँ। भाभी आप चलो।
मायूस कहीं की। लेकिन आयशा इसमें मेरी गलती क्या है? जो देवर जी तुमसे बात नहीं कर रहे, गलती भी तो तुम्हारी थी ना। अच्छा तेरी गलती नहीं है? जब से तेरे पैर इस घर में पड़े हैं ना, तब से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। सबसे पहले तो तूने आती जेठ जी को खाया और अब हम में लड़ाई करवा रही है। और तो और जो कारोबार था उसमें भी आग लगवा दी। तू चाह क्या रही है, यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? लेकिन आयशा मैं कहाँ जाऊंगी, अब यही तो मेरा घर है। क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकती? अपने घर जा, अपने बाप के घर जा, अपने भाइयों के पास जा। मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? मम्मी पापा को दो वक्त की रोटी ढंग से नसीब होती नहीं, और मैं चली जाऊंगी तो पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं। मेरा घर तो कुछ टूटा फूटा झोपड़ी है। जेठ जी भी कहां जाके डूबे थे, इसमें कुछ देखा तो होता। लेकिन हाँ, तू कहीं भी जाके मर, कुछ खा या मत खा, या भूखी प्यासी मर जा, लेकिन हाथ जोड़ रही हूँ यहाँ से चली जा बस। आयशा मैं कहाँ जाऊंगी, ये तो थोड़ा बहुत सोचो तुम। यही तो मेरा घर है, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्या लगा रखा है, कहाँ जाऊंगी? देख तू कहीं भी जा, कहीं भी मर, लेकिन हाँ इस घर से चली जा बस। आप मुझे क्यों छोड़ गए अकेला? अब मैं किसके सहारे जीऊं? हाँ जी सर। नहीं सर, वो मैं भिजवा दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर। क्या डल गया? अरे आयशा, आयशा, अरे आयशा, क्या हुआ देवर जी? अरे भाभी आप हाँ? पता नहीं आंख में कुछ डल गया है यार। लाओ मैं देख दूँ, आयशा कुछ काम कर रही है। वो दुख रहा है बहुत, पता नहीं क्या है, देखना कोई मच्छर है। नहीं कुछ भी नहीं है। हाँ जी आई। बहुत अच्छे, जो मुझे शक था आज वो मेरा शक क्लियर में बदल गया। आयशा ये कैसी बातें कर रही हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैंने जो सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा कहीं गई गुजरे निकले। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? आयशा ऐसा कुछ भी नहीं है, देवर जी की आंख में कुछ गिर गया था और उन्होंने तुम्हें आवाज भी मारी, लेकिन तुम आए नहीं तो मैं आ गई। हाँ आयशा मैंने तुम्हें आवाज लगाई थी, मेरी आंख में पता नहीं कुछ डल गया है, इसलिए मैंने तुम्हें आवाज लगाई, तुम नहीं आई तो भाभी आ गई, बस ये मेरी आंख में कचरा ही देख रही थी। बस रहने दो, ये पट्टी ना मुझे मत पढ़ाओ, मुझे सब पता है। सामने तो तुम भाभी भाभी करते हो और पीठ पीछे पता नहीं क्या करते हो। देखो आयशा ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेकार की बातें कर रही हो, तुमने अपनी हद में रहा करो। क्या हद में मैं रहूं? अरे हद में तो तुम दोनों को रहना चाहिए, तुम दोनों ने तो हद की और रिश्ते की लिमिट ही क्रॉस कर दी है। अरे हद में तो इसे रहना चाहिए, अभी जेठ जी को गए हुए टाइम ही कितना हुआ है और इसने अपनी मनमानियां शुरू कर दी, अपने ही देवर जी पे डोरे डाल रही है। कम से कम ये तो सोचा होता कि भाभी और देवर का रिश्ता क्या होता है। नहीं आयशा तुम गलत सोच रही हो, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस रहने दो, मैं जो भी सोच रही हूँ ना बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ, अंधी नहीं हूँ मैं, मुझे दुनियादारी की समझ है। आयशा मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, सुधर जाओ। क्या है और क्या नहीं मैं जानती हूँ, बस रहने ही दो। अगर तुम्हारे और इसके बीच में कुछ नहीं होता तो तुम कैसे छुप छुप के क्यों मिलते? आयशा बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, तुम ना अपनी हद में रहो, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो। तुम्हें पता है देवर भाभी का रिश्ता क्या होता है? देवर भाभी का रिश्ता एक माँ बेटे के समान होता है, और ये मेरी माँ है और माँ का पूरा अधिकार होता है अपने बेटे से प्यार करना, अपने बेटे को डांटना, समझी तुम? देवर जी आप दोनों मेरी वजह से लड़ाई मत करो, अगर आयशा चाहती है मैं इस घर से चली जाऊँ तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन हाँ मेरे जाने के बाद तुम दोनों खुशी खुशी रहना, मैं नहीं चाहती
जैसे मैं तुम्हारे भैया के प्यार के लिए तरस रही हूँ, वैसे ही आशा तुम्हारे प्यार के लिए तरस रही है। ठीक है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। रुको भाभी, कोई कहीं नहीं जा रहा, और हालांकि तुम तो इस घर से बिल्कुल नहीं जाओगी। आयशा, तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं छोटा सा था ना, तो मम्मी पापा बचपन में मुझे छोड़कर चले गए थे, और तब भैया की शादी हुई थी और भाभी इस घर में आई थी। उसके बाद उन्होंने कभी मुझे मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी, हमेशा अपने बेटे की तरह रखा, और तुम इन पे शक करती हो। अरे तुम ये तो देख लो, एक भाभी का रिश्ता क्या होता है। तुम मेरी माँ समान भाई पर शक कर रही हो आयशा, मैं शर्म नहीं आई। रहने दो देवर जी, इसे मत समझाओ, इसकी खुशी मेरे जाने से ही है ना, तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन तुम दोनों खुश रहना। नहीं भाभी, तुम मत जाओ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। नहीं आयशा, गलती भी अपनों से होती है, और यही गलती तुझसे हो गई, कोई बात नहीं, छोटी बहन मैंने तुझे माफ कर दिया। देखा आयशा, ये है भाभी का दिल, तुमने इनके साथ कितना सलूक किया, मगर इन्होंने तुम्हें अब भी माफ कर दिया। देखा, और एक बात बताऊं आयशा तुम्हें, कभी ना अपने आप को भाभी की जगह रखकर देखो कि ये कितना दर्द सहती हैं। अगर ये चाहती तो ये अत्याचार तुम पर भी कर सकती थी, क्योंकि ये इस घर की बड़ी बहू है, लेकिन उन्होंने तुम्हारी सुनी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जैसे उन्होंने अपने पति को खोया है वो मुझे खोए, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, समझे तुम। मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन हाँ, आगे से कभी कोई गलती नहीं होगी।